ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी ज़िंदगी में। जब हम इकट्ठा होते हैं, सत्संग सबको नसीब नहीं होता, तो बहुत ही सौभाग्य है हमारा, बट भाग लेके आए हैं कि गुरुजी महाराज से जुड़े और हमें सत्संग नसीब हुआ। इसलिए गुरुजी का रोम रोम से शुक्राना करते हुए संगत जी सब शुक्राना करें गुरुजी का कि हमें ये अवसर मिला। और इसी बात पर हम अपना अपनी व्याख्या जो है जपजी साहब जी की वो कंटिन्यू करते हैं। जो प्यारी प्यारी संगत सिंसियरली जुड़ी हुई है जपजी साहब जी को थोड़ा जानने के लिए, गुरबानी का रुख की तरफ रुख किया है गुरु जी ने, गुरबानी को थोड़ा सा और समझने के लिए, तो वो संगत जानती होंगी कि लास्ट टाइम हमने पौड़ी नंबर 27 तक कंप्लीट किया था, और इस बार कोशिश करेंगे कि पौड़ी नंबर 28, 29 एंड 30 हम आज कंप्लीट करें। वैसे तो साइज़ में छोटी है पौड़ीज, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ज्ञान है, जो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा शॉर्ट में करने की, लेकिन इतना प्रोफाउंड नॉलेज है कि कभी कभी उसमें डीप चले जाते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी ये 3 पौड़ियाँ आज कंप्लीट करने की संगत जी। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। पौड़ी नंबर 28 मैं पढ़ देती हूँ। मुंडा संतोख सरम पग चोली, ध्यान की करे विभूत, खिंता काल कुआरी काया, जगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहित, जुग जुग एको वेस। तो ये पौड़ी नंबर 28 है, और इन द मेडिवल एजेस जब गुरु नानक देव जी थे, तब जोगियों का बहुत बोलबाला था इंडिया में, और जोगी जन जो थे वो अलग अलग पंथ को बिलोंग करते थे, अलग अलग सेक्ट्स को बिलोंग करते थे, और उनका एक अलग तरीका था, रिचुअलिस्टिक अप्रोच था भगवान तक पहुंचने के लिए। तो एक पूरा एक ग्रंथ है सिद्ध गोष्ठ के नाम से, जिसमें गुरु नानक देव जी की पूरी कॉन्वर्सेशन वर्थ सो मेनी पेजेस इज ऑलरेडी यू नो रिटन। तो उस ग्रंथ में गुरु नानक देव जी जोगियों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं। एक्चुअली गुरु नानक देव जी कलयुग के गुरु हैं, वो यहाँ पे इसीलिए आए एक चानन फैलाने, एक चांदना फैलाने, एक रोशनी फैलाने, क्योंकि भगवान को वैसे जो आरंभ हुआ था वो तो बिल्कुल ठीक हुआ था भगवान को समझने के लिए वेदास में, लेकिन स्लोली ओवर द ईयर्स थोड़ा थोड़ा लोग भटक चुके थे, और उन्हीं को थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, और हम सबको आज भी 600 साल या 6000 साल बाद भी ये ज्ञान बांटने के लिए गुरु नानक देव जी आए थे। तो ये बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन गुरु नानक देव जी एंड द जोगी, तो वो हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सो बेसिकली पौड़ी नंबर 28, 29, 30 एंड 31, ये चारों पौड़ियाँ थीम में हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि हम थीम से लिंक्ड पौड़ियाँ कर चुके हैं, जहाँ पे चारों पौड़ियाँ का एक ही थीम होता है। यहाँ पे चारों पौड़ियों का एक ही थीम है, और वो थीम हमको पता चलता है क्योंकि लास्ट की 2 लाइनें जो हैं पंक्तियाँ वो बिल्कुल कॉमन हैं। और उस पे पहुँचने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू रिएटरेट दैट गुरु नानक देव जी हमें बार बार समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं, 3 चीज़ों के बारे समझा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, दैट देर इज़ 1 गॉड, एक ही परमात्मा है जिससे ये सारी की सारी मल्टीवर्स, ये सृष्टि जिसके हुक्म पे चलती है, ये बार बार हमें गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं। सेकेंडली हमें ये समझा रहे हैं कि बहुत तरह के मनुष्य हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अलग अलग प्रांतों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग सेक्स को बिलोंग करते हैं, या जिस भी अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल इक्वल, किसी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, और फ़र्क है ही नहीं। द रियलिटी इज़ किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में कोई फ़र्क नहीं है,
और वो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे कह रहे हैं बार बार। और तीसरी चीज़ जो वो बार बार कह रहे हैं कि भगवान हमारे अंतर मन में है, हमारे अंदर है, क्योंकि भगवान एक है, उन्होंने सृष्टि को उपजाया है और वही सृष्टि के अंदर बसे भी हुए हैं। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी बसे हुए हैं, हम पाप करें या पुण्य करें, भगवान हमारे अंदर है। बस ये है कि हम अपने चेतन से भगवान को भूल जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा पापी हो जाए तो द फ्यूटिलिटी ऑफ रिचुअलिस्टिक अप्रोच, हम उसको क्या चढ़ाएं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। तो ये एक रिचुअलिस्ट जो रिचुअल्स के बारे गुरु नानक देव जी ये कह रहे हैं कि उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और क्यों ये इन पौड़ियों में उन जोगियों को समझा रहे हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी अपनी ही तरीके से समझा रहे हैं जैसे शुरू से समझाते आए हैं। वो कभी भी किसी को भी ऑफेंसिव लैंग्वेज में या अपने आप को बहुत महान समझ के ईगोइस्टिक लैंग्वेज में या ईगो से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात नहीं करते। क्योंकि याद करना, हमारी जो पहली पौड़ियाँ थी उसमें गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था, सबके अलग अलग तरीके हैं भगवान तक पहुँचने के लिए। कोई तरीका शायद उतना सही नहीं है, कोई तरीका लंबा तरीका है जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो तरीका जिसने सिखा दिया मनुष्य ने सीख लिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य गलत है। जिसने भगवान को याद किया वो भगवान के लिए तो एक फूल ही है, तो कोई भी गलत नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव जी बहुत सॉफ्टली और बहुत ह्यूमिलिटी से ये एक मैसेज इस सारे जगत को देने आए हैं, और उन जोगियों से बात करके उनको भी समझा रहे हैं, और ये सारे जगत को ये एक द अल्टीमेट ट्रूथ की जो एजुकेशन है, एक लाइट है, वो सारे जगत पे डाल रहे हैं। तो एक ही भगवान है, सब इंसान समान हैं, और भगवान तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंतर मन तक पहुंचना है, उसको परिवर्तन करना है, कुछ रिचुअल्स करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा रुख गुरबानी की तरफ गुरुजी ने किया है, और ये सेम मैसेज हमें समझाने गुरुजी भी हमको समझाते रहे हैं। तो आदेश जो कॉमन लाइंस हैं इन तीनों चारों पौड़ियों में, वो आखिरी की वो ये हैं, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, आखिरी कॉमन लाइन से शुरू करती हूँ इस बार। आदेश जैसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहित जुग जुग एको वेस। आदेश तिसे आदेश मतलब उस एक परमात्मा को मेरा सजदा, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। वो एक ही परमात्मा है जिसे मैं पूजता हूँ, जिसे मैं याद करता हूँ, जिसे मैं अपने अंतर मन में ढूंढता हूँ। आद मतलब सबसे पहले, हमारे लिए तो सबसे पहले भगवान आए, तो हमारे लिए आद तो भगवान है, लेकिन भगवान के लिए आद भगवान है, मतलब उनके लिए कुछ आद नहीं है। देर इज नो बिगिनिंग, देर इज नो एंड फॉर गॉड, गॉड वॉज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। बट हमारे लिए आद भी हैं भगवान, अनिल भी हैं भगवान। अनिल मतलब जिसपे पाकम पाक, जो अभी शब्द चल रहा था, अल्लाह पाकम पाक है, बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल प्योरेस्ट ऑफ प्योर। अनाद, हमारे लिए भगवान अनाद भी है। अनाद मतलब जिसका कोई बिगनिंग नहीं। तो आप बोलेंगे आद भी कह रहे हैं अनाद भी कह रहे हैं, जी हाँ, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बस ये वर्ड्स ही हैं डिस्क्राइब करने के लिए भगवान के बारे। तो भगवान आद है हमारे लिए क्योंकि भगवान से ही ये सारी सृष्टि उपजी। फिर अनिल है और अनाद है क्योंकि भगवान का कोई आद या बिगनिंग या एंड है ही नहीं, तो भगवान अनाद है। अनाहित, अनाहित मतलब उनको कोई भी उनकी हत्या नहीं कर सकता, वो उनका 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 शेष कुछ नहीं, उनका उनका कोई ख़त्म नहीं है। ही विल नेवर एंड, गॉड नेवर एंड्स, देर इज़ नो वे इन विच गॉड कैन बी डिस्ट्रॉयड, इफ आई पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज। तो अनाहित है, ही इज़ ऑलवेज देयर, जुग जुग एको वेस। और जुगों जुगों से अरबद नरबद साले जितने हमको पता भी नहीं, जो अनकाउंटेबल ईयर्स से, एको वेस है उनका, एक ही वेस है। वो हैं ज़रूर लेकिन उनका एक ही वेस है, और वो क्या वेस है, निराकार का, उनका कोई आकार नहीं है।
भगवान का। तो गुरु नानक देव जी ये समझा रहे हैं कि हे जोगियों, हम उसी मालिक को आदेश करते हैं, आदेश किसे आदेश। तो हम किसे आदेश करते हैं, जो इस जगत का आधार है, लेकिन उस उनके खुद का कोई मूल नहीं। देर इज नो बेसिस, देर इज नो बिगिनिंग ऑफ गॉड, बट अवर फंडामेंटल, हमारा मूल भगवान है, और संसार का मूल भगवान है, और बिना किसी दाग के पाकुम पाक है, अनाद है जिसका कोई आद नहीं है, अनाहित है, इनडिस्ट्रक्टिबल है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, नाश से रहित। तो जुगो जुग एको वेस, जुगो जुग से वो फॉर्मलेस है, निराकार है। तो उसकी प्राप्ति का साधन क्या है फिर, ये इस पौड़ी में बात हो रही है कि उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। बहुत कुछ समझा चुके हैं हमें गुरु नानक देव जी, ये पौड़ी दर पौड़ी, पौड़ी पौड़ी दर पौड़ी, बहुत ही सहजे सहजे सहजे, स्लोली स्लोली, आसान तरीके से हमको एक 38 पौड़ीज है, 38 सीढ़ियां हैं, जिसमें हमको भगवान एक एक पौड़ी ऊंचा उठा रहे हैं, हमारे चेते मन को, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहे हैं। और ये जपजी साहब इज द वे टू रीच गॉड, टू नो अबाउट गॉड। तो 38 पौड़ी तक जब हम पहुंचेंगे संगत जी, और ज़्यादा देर नहीं रह गया है, तब तक हम एजुकेट हो चुके होंगे, हमें पता चल चुका होगा काफ़ी कुछ कि इस, ताकि हम ये मनुष्य जीवन बर्बाद ना करें, हम अपने अंदरूनी मन में, अंतर मन में भगवान को ढूंढ पाएं। तो उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, जो जोगी थे उस जमाने में वो कुछ चिन्ह धारण करते थे ईश्वर प्राप्ति के लिए। उनके चिन्ह थे जैसे कानों में मुंद्रे पहनना, कोई भी जोगी होगा किसी भी सेक्ट का, 12 सेक्ट थे उस समय 600 साल पहले, और कोई भी जोगी होगा उसने मुंदे जरूर धारण किए होंगे। उनके हाथ में खप्पर होगा, खप्पर मतलब द बोल जिनमें वो अन्न लेते थे, मांगते थे। उनके पास झोली जरूर होती थी जिससे खप्पड़ में वो अपना दाना लेकर झोली में डालते थे। आपके उनके बदन में राख मली होती थी, और उनके पास एक खिंता होती थी, एक चादर लपेटी होती थी, और उनके हाथ में एक डंडा होता था जो उनको समाधि में जाने के लिए मदद करता था, वो अपना हाथ उस डंडे पे रखते थे। तो ये स्पेसिफिक चिन्ह थे जो हर योगी उस जमाने में धारण करते थे। वो इसलिए धारण करते थे क्योंकि उनके हिसाब से ये सारे चिन्ह हैं योगियों को अलग बनाने के लिए, क्योंकि योगीज वर स्पेशल, उनको स्पेशल दिखना था, उनका तरीका स्पेशल था, अलग था, इसलिए वो एक अपने देह में, अपने बॉडी में चिन्ह धारण करते थे। तो गुरु नानक देव जी दिल की चोट किसी को नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए योगियों के चिन्हों से ही उन्हें समझा रहे हैं कि जब वो उनके किसी डेरे में गए तो योगियों ने पूछा कि साहिब आप कौन, वो पहचान नहीं पाए गुरु नानक देव जी को। तो गुरु नानक देव जी ने कहा मैं जोगी। तो जोगी कहते हैं कि आप कैसे जोगी हो, आपके कानों में मुंद्रा नहीं, आपके हाथ में खप्पर नहीं, झोली नहीं, आपके बदन में कोई राख नहीं मली हुई, आपने खिंता नहीं पहनी, आपके हाथ में डंडा नहीं, तो आप जोगी कैसे, आपको हम मान लें, आप जोगी कैसे हो गए। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे समझाते हैं कि शरीर ने तो इस संसार में नाश हो जाना है, तो आप ही बताओ कि शरीर को जोगी बनाना है या मन को जोगी बनाना है, क्योंकि ये सारे जो चिन्ह जोगी धारण करते हैं ये सारे शारीरिक चिन्ह हैं, ऊपरी ऊपर से हैं, अंदर से तो नहीं है। तो ये सारे चिन्ह ऊपर से धारण करने से ये शरीर तो हमने यहीं पे छोड़ के जाना है, हम जोगी कैसे बन गए। तो मन ऊपर, मन को हमको साफ करना है, तो आप ही बताओ कि मन को जोगी बनाना है या शरीर को। अगर आप बोलो कि मन को जोगी बनाना है, तो मन को जोगी बनाने वाले सारे चिन्ह मैंने धारण किए हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि तन को जोगी बनाना है, तो शायद इस रूपरेखा में मैं साफ नहीं उतरूंगा, क्योंकि मैंने अपने तन में कोई भी ऐसा चिन्ह धारण नहीं किया जो मुझे जोगी दिखाए।
दूसरों को। तो साहिब बता रहे हैं कि हमने बकायदा मुद्रा धारण करी है। तो नाउ ही इज टेकिंग एग्जाम्पल्स एंड टॉकिंग टू द जोगीज कि हमने मुद्रा धारण करी है, लेकिन हमने जो मुद्रा, जो कानों में बाली पहनी है, मुद्रा पहनी है, वो संतुष्टि की है, संतोख की है। क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ी वर्च्यू है। ये बताता है कि हम भगवान के हुक्म के अंदर रहना चाहते हैं और अंदर ही हैं। ईश्वर प्राप्ति का मूल गुण है संतुष्टि। क्योंकि जो इस जगत से रजा ही नहीं, जो संतुष्ट ही नहीं हुआ इस जगत से, उसमें प्रभु प्राप्ति की कोई उमंग पैदा हो, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस जगत से पहले हमको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा उस भगवान की तरफ रुख करने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा, हमारे में इच्छा है और कामना है, कामना की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें भगवान से जुड़ने नहीं देगी, वो हमें माया से जोड़ेगी, वो हमें इस संसार से जोड़ेगी, इस पृथ्वी से जोड़ेगी, इस मिट्टी से जोड़ेगी, भगवान से नहीं। तो जिसमें जगत से जो रजता नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होता, वो भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि ये मूल, ये फंडामेंटल बेसिस है, फर्स्ट टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर गॉड हैज गिवन। भगवान को, भगवान के लिए दो टाइप के लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं और भगवान को नहीं मानते। एक वो जो थोड़े वीक होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, या वो शारीरिक रूप से थोड़े वीक होते हैं, थोड़े यू नो दे आर इल, या उनके परिवार में कोई नहीं होता, तो वो हार मान के कहते हैं भगवान हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो तू ही है। तो वो भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका, उनकी जो इस धरती में रहने की जो इच्छा है, जो कामना है, वो वासना है, वो पूर्ति करने के लिए भगवान ज़रूरी है। क्योंकि उनका वैसे तो कोई है नहीं, तो भगवान ही उनकी सारी वासना, सारी कामना पूरी करेगा। और ये हम बेसिक नेचर बता रहे हैं, गुरु नानक देव जी बता रहे हैं हम सबको बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम सब उसी में आते हैं, उसी श्रेणी में आते हैं। और दूसरा लोग ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी वेल्दी भी हो सकते हैं, उनके पास पैसा भी हो सकता है, लेकिन उनकी कामना और उनकी वासना की जो पूर्ति है, जो उनकी लालच है, जो वासना की पूर्ति करनी है, उसके लिए वो परमात्मा को इनकार करते हैं। क्योंकि परमात्मा को याद कर लिया तो परमात्मा उनको उनकी वासना की पूर्ति करने नहीं देगा। क्योंकि जिनके मन में परमात्मा बस गया, उनके मन में वो वासना की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो तृष्णा है, उसकी जो भूख है, उसको मिटाने के लिए कुछ लोग भगवान को याद करते हैं और कुछ लोग भगवान को जानबूझ के भूल जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हिटलर, अगर हिटलर ने 1 करोड़ लोगों को मारा, 1 करोड़, तो उसने जानबूझ के भगवान का ख्याल भी अपने मन में बिल्कुल आने नहीं दिया। क्योंकि भगवान का ख्याल अगर उसको थोड़ा सा भी आ जाता, तो वो शायद इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। तो उसने जानबूझ के भगवान का ख्याल अपने मन में नहीं आने दिया, ताकि जो उसकी वासना है, उसके एम्बिशंस हैं, उसकी तृष्णा की जो भूख है, वो मिटा पाए। तो ये इस टाइप के दो लोग हैं इस संसार में। और हमें चेक करना चाहिए कि हम कहीं उस कैटेगरी में बिलोंग तो नहीं करते। तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो एजुकेशन हमें मिल रही है, हम उससे संभल जाएं। तो इसीलिए जो संतुष्टि है, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो कुछ है बिल्कुल ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अपने प्रारब्ध पर भरोसा है, अपनी किस्मत पर भरोसा है, भाग्य पर भरोसा है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। और संतोषी मनुष्य हर हालत में प्रसन्न रहता है। और जो लोभी मनुष्य है, जिसकी वासना की पूर्ति अभी हुई नहीं है, वो हर हाल में एंशियस रहता है, वो वरीड रहता है। जब तक उसकी वासना की पूर्ति नहीं होती, वो टेंशन में रहता है, वो प्रसन्न नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर से बहुत दूर वो लोग हो जाते हैं। इसलिए वासना का विपरीत होता है संतुष्टि। और ये ईश्वर प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है, वर्च्यू है, वैल्यू है।
तो गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, मुंदा संतोख सरम पथ झोली, सरम पथ झोली, जो झोली है जो जो योगी अपने शरीर पे टांगते हैं, तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जो आपका खप्पड़ है, जो आपका बर्तन है, उसे पथ कह रहे हैं। सरम पथ झोली, पथ मतलब वो जो बेगिंग बोल है वो उसे बर्तन कह रहे हैं, और सरम मतलब मेहनत। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि बर्तन जो मेरे पास है वो है सरम का, मेहनत का, और भाव मेहनत का बर्तन है, और झोली जो है वो भी मेहनत की है। जो मेरा बर्तन है वो मैं मांग के नहीं भरूंगा, अपनी मेहनत से भरूंगा, अपनी मेहनत करके मुझे जितना मिलता है इस संसार में मैं उससे वो बर्तन भरूंगा और अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा और उसी से अपनी झोली भरूंगा। क्योंकि मैं भिक्षु नहीं हूँ, मैं दर दर मांग कर लेने में यकीन नहीं रखता, मेरे पास मेहनत की झोली है और मेहनत करके जो मुझे मिल जाए मैं उसी में बहुत खुश हूँ। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि ये गुरबानी की लाइन्स हैं, मांगत मान न पाया, मतलब मांगने से मनुष्य की मान प्रतिष्ठा नाश हो जाती है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, परिश्रम करने का बल दिया है, एक हमें एक शारीरिक शक्ति दी है, हमारे हाथ है, हमारी इंद्रियां हैं, इससे हमें इस संसार में जीना है, इस संसार से भागना नहीं, इस संसार को छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज दैट इज गॉड्स विल। भगवान ने हमें पैदा ऐसे किया है कि हमें संसार चलाना है, हमें परिवार भगवान देता है हमारे प्रारब्ध पे, हमारी किस्मत पे, भाग्य पे के बेसिस पे, और हमें एक एक हमें एक न्यू जनरेशन पैदा करने की भी शक्ति भगवान ने दी है। हमें क्या, सारे पशु पक्षियाँ और सारा जो जीवन है उसमें एक नई जीवन पैदा करने की शक्ति भगवान ने दी है। इसीलिए ये इस संसार में तो हमने रहना है, इससे भागना नहीं है, क्योंकि वो भगवान का हुक्म है, और रहना भी हमें इज्जत से है, हमें मेहनत करके कमाना है, और कमा के जो भी हम कमाते हैं मेहनत की कमाई वो उससे हमें अपने परिवार का पालन भी करना है। तो अगली पंक्ति, ध्यान की करे विभूत, विभूत है जो खाई, जो खाक लगाते थे जोगी अपने शरीर पे, बिकॉज वो साइंटिफिक रीजन था पहले, क्योंकि खाक लगाने से शरीर पे ना सर्दी लगती है गर्मियों, सर्दी के दिनों में ना गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में, कोई कीड़ा भी नहीं चढ़ता बदन पे, और भी बहुत सारी बीमारियों से वो बचे रहते थे, इसीलिए एक साइंटिफिक रीजन तो था खाक लगाने का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने ध्यान की विभूत लगाई है, क्योंकि जब मैं ध्यान लगाता हूँ, जब मैं समाधि में जाता हूँ, तब मुझे कोई भी रोग नहीं लग सकता, बिकॉज रोगी वो होता है जो भगवान से दूर होता है। ये हमारे पिछले कर्मों का, दुष्कर्मों का फल होता है कि जब हमें रोग लगता है या हमारे बैड डिसीजंस जब हम लेते हैं, तो हम जब दुख देखते हैं, किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार में वो मैनिफेस्ट करे, जब हम दुख होता है वो हमारे खुद के कर्म जो मैनिफेस्ट होते हैं। तो जब हम भगवान के पास रहते हैं, जब हम समाधि लगाते हैं और भगवान में लिव जोड़ते हैं, तब हम में कोई रोग नहीं लग सकता। और यही कह रहे हैं गुरु नानक देव जी कि हमको सर्दी गर्मी बेचैन नहीं करती, और ये तभी होता है जब हम जो ध्यान है उसकी विभूत लगा लें। अगली पंक्ति, खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा पड़ती, खिंता मतलब वो जो चादर जो जोगी ओढ़ते थे, खिंता काल, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मैंने काल की चादर ओढ़ी हुई है, मतलब मॉर्टेलिटी की, मुझे याद है कि हमें सबको मरना है, मैंने मौत की चादर ओढ़ी हुई है, क्योंकि जिन्हें मौत याद नहीं फिर वो संसार से ऐसा चिपक जाते हैं, ऐसा जुड़ जाते हैं कि माया की तरफ वो पुल होते ही रहते हैं, अट्रैक्ट होते ही रहते हैं। जिनको याद है कि मौत आनी ही आनी है, जीवन मिला है तो मृत्यु होनी ही होनी है, तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं,
वो अपने आप को संभाल पाते हैं कि इतना भी वो इस मैग्नेटिक पुल में ना ना अपने आप को घुमा दें। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने काल की चादर ओढ़ी हुई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और कहना चाहती हूँ, ये संत मस्कीन जी के शब्द हैं, उन्होंने तो पूरी गुरबानी पढ़ी हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि श्री कृष्ण के मंदिर में अगर हम जाएं तो बहुत फेस्टिविटीज़ होती हैं, राग है, नृत्य कला चलती है और जीवन को सेलिब्रेशन का एक झलक हमें दिखता है। वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण परम जीवन में उपलब्ध हो गए थे, वो पूरे के पूरे जीवन में डूब चुके थे और जीवन में उपलब्ध हो गए थे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक बौद्ध मंदिर में जाएं, बुद्धा, तो वहाँ पे एक बिल्कुल ही खामोशी है। जब जीवन होता है तो जीवन में खामोशी नहीं, जीवन में होता है उमंग, जीवन में खुशियाँ, जीवन में राग, फेस्टिविटीज़ और गाना और नृत्य। लेकिन जब मौत आती है तब होती है खामोशी। तो बौद्ध मंदिर में बिल्कुल खामोशी है। और क्योंकि बुद्धा, वो भगवान बुद्धा, जब उन्होंने देखा एक मुरझाता हुआ फूल, एक वृद्ध आदमी को और एक लाश को, तब उनको इतना उनके ऊपर असर पड़ा कि वो अपने महल छोड़कर फॉरेस्ट में चले गए महासमाधि लगाने के लिए, और वहीं पे उनका एनलाइटनमेंट हुआ। तो हम क्या ये जो म्यूज़िक डांस है बौद्ध मंदिर से जोड़ सकते हैं? जी नहीं। क्या हम बिल्कुल खामोशी यहाँ पे जोड़ सकते हैं? जी नहीं। क्योंकि दो द्वार हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, दोनों जो भगवानों के द्वार हैं, जीवन के दो द्वार होते हैं। एक होता है जहाँ जीवन में आप डूब जाओ, जैसे श्री कृष्ण डूबे थे और उन्हें जीवन, परम जीवन उपलब्ध हुआ। और दूसरा द्वार होता है मौत का द्वार, जहाँ आप डूब जाओ और क्योंकि आपको पता है कि मौत आनी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज जीवन में भी डूबना कहते हैं और मौत में भी डूबना कहते हैं। क्योंकि कोई मनुष्य क्या ये कह सकता है कि मुझे मौत नहीं आएगी, या कोई ये मनुष्य ये कह सकता है कि मैं तो मौत हूँ, जीवन नहीं हूँ? जी नहीं। मनुष्य जीवन भी है और मौत भी है, ये दोनों एक मनुष्य योनि के साथ जुड़े हुए हैं, पशु और पक्षी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जीवन में फुल्ली सबमर्ज करना है, फुल्ली इमर्स करना है, जीवन में डूबना है, मेहनत करनी है। इसीलिए मेहनत करनी है और अपना घर बार बसाना है, एक फैमिली लाइफ जीनी है, अपना एक अपना कोई भी एक काम करना है जो मेहनत से कर पाए। इसको कहते हैं जीवन में फुल्ली डूबना। और फिर ऑन दी अदर हैंड मौत को भी चेते रखना है, मौत को भी याद रखना है, ताकि जीवन हमें पूरा अपने में खींच ना ले। तो अपने फैमिली, गुरु नानक देव जी ने खेती बाड़ी भी की थी, उन्होंने उनकी संतान हुई, पुत्र हुए, परिवार को सपोर्ट भी किया। और ये संदेश है गुरु नानक देव जी का कि जीवन में भी डूबना है, जीवन से भागना, छोड़ना, छोड़कर कहीं और जाकर सिर्फ भगवान का नाम लेना, जी नहीं, वैसे नहीं। इस सांसारिक जीवन में रहकर अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें जीवन जीना है और मौत में भी डूबना है। सो दिस क्रिएट्स अ बैलेंस इन लाइफ। और हमारी मौत को याद रखेंगे तभी हम इस संसार का मोह छोड़ पाएंगे, संतुष्ट हो पाएंगे और झोली में कितना भरा है ईश्वर ने उसी से खुश रह पाएंगे। तो हमारे अंदर एक खामोशी है, उसको मौत की खामोशी भी कह सकते हैं, जो हमारे अंतर मन में है, और वो समाधि लगा कर ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। जुगत डंडा प्रतीत, तो यही जुगत है, यही जुगति है, यही एक प्रोसेस है जिससे हम इस जीवन को जी सकते हैं। डंडा प्रतीत, डंडा मतलब जो डंडा अपने हाथों में जो भी रखते थे टू सपोर्ट देम, जब वो समाधि लगाते थे, मेडिटेट करते थे, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं भगवान पे मेरा अटल जो भरोसा है वही मेरा सपोर्ट है, मुझे और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, दैट इज़ माई डंडा, मैं उसी में सब कुछ अपना सपोर्ट रखता हूँ, जहाँ पे
क्योंकि मेरा भगवान में जो फेथ है वो कम्प्लीटली है, 100% है। और ये गुरबानी के लाइंस हैं, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तो जिसको भगवान पे भरोसा आ जाए 100%, उसी को बहुत ज्ञान उसके मन में प्रगटाता है, उसके प्रकट करता है। सर तो अगली पंक्ति, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। जैसे पहले व्याख्या हुई है कि जो साधु जन थे, जो योगी जन थे, उनकी बहुत सारे पंथ थे, 12 पंथ थे 600 साल पहले, और हर पंथ में का एक मुखिया होता था, और हर पंथ में उनका एक डिफरेंट सेक्ट्स थे जो अपने ही पंथ को मानते थे, दूसरों को उतना नहीं। तो एक उनमें से एक था पंथ, जो आई पंथ जिनको कहते हैं, आई पंथ ही ऐसा था जो विच वॉज एन इंक्लूसिव सेक्ट। इंक्लूसिव मतलब वो सबको बराबर मानता था, सबको बराबर समान ये सेक्ट देता था। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं आई पंथी का हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई स्पेशल नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉड स्पेशल क्रीचर, मैं एक आम इंसान हूँ जैसे सारे के सारे इंसान हैं, मेरे में कुछ डिफरेंट नहीं है, मेरा जो सेक्ट है वो भी डिफरेंट नहीं है, और योगियों में जितने पंथ हैं उनमें मैं बिलोंग नहीं करता, मैं एक सगल जमाती, मतलब ये सारा जमाना, ये सारा जो ब्रदरहुड है, ये सारा जो जगत है, ये मेरा भाईचारा है, इसमें देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, द प्लेस दैट पर्सन बिलोंग्स टू, रेस, कलर, लैंग्वेज, किस प्रांत से वो बिलोंग करते हैं, बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें इंक्लूसिव रहना चाहिए, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है कुछ भी किसी में स्पेशल नहीं है, सब ह्यूमन बींग समान है, इक्वल है, यही गुरु नानक देव जी की मैसेज है। और ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेट करता है वो भगवान सर को डिनाई करता है, इसका मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं रख सकता, क्योंकि भगवान के लिए सारे मनुष्य एब्सोल्यूटली सेम है, देयर इज नो, भगवान ने किसी को भी स्पेशल और किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है। तो यू नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजियन, रेस, प्रोविंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, जिस बेसिस पे हम लोग इतना अपने अंदर एक प्रेजुडिस रखते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, या कभी कई बार अपने आप को छोटा भी समझते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब भाई हैं, सब इक्वल हैं, सब भाई बहन हैं, तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर एब्सोल्यूटली इक्वल, ये बार बार गुरु नानक देव जी दोहरा रहे हैं। और ये भी कह रही है कि मैं बिल्कुल किसी योगियों के जो एंड गोल था वो था रिद्धि और सिद्धि, कि उनको एक पावर चाहिए थी, मिराकुलस पावर उनको चाहिए थी, रिद्धि सिद्धि जब उनको मिलती थी तो उनके अंदर एक पावरफुल, एक मैजिशियन टाइप का एक मिराकुलस पावर आ जाती थी, जिससे वो एकदम परमाणु जैसे छोटे, एटम जैसे छोटे, कहीं भी स्पेस में जा सकते हैं, कितने भी बड़े बन सकते हैं, कहीं भी वो किसी को भी अपने अपनी बस में कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी कह रहे थे नहीं, दैट इज़ नॉट माई एंड गोल, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर। तो ये आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एट ऑल दैट आई एम स्पेशल, बिकॉज आई एम नॉट स्पेशल, मैं भगवान के किसी, मैं किसी मैजिकल पावर में बिलीव नहीं करता, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैजिकल पावर अगर किसी में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझ में आ जाए, तो मैं अपने आप को बहुत स्पेशल समझूंगी, सबसे अलग समझूंगी, मैं ये समझूंगी कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, और वही तो हमको नहीं मानना है अकॉर्डिंग टू कुर्बानी, हमने अपनी ईगो ही तो कम करनी है, हमने अपने में से मैं को ही तो मिटाना है। तो वो रिद्धि और सिद्धि जिसने प्राप्त करी कुर्बानी के अनुसार, वो भगवान के पथ पे तो है ही नहीं, क्योंकि वो स्पेशल बन गया, उसने अपने आप को दूसरों से अलग साबित कर दिया, वो तप और
से कई लोग हासिल करते थे, एक जोग से हासिल करते थे, लेकिन दैट इज नॉट द एंड रिजल्ट. द एंड रिजल्ट टू गेट गॉड सचियार बनने के लिए हमें रिद्धि सिद्धि से दूर रहना है. और इसीलिए मैं उस परिपूर्ण परमात्मा के सामने झुकता हूँ, सजदा करता हूँ, जो कैसा है, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको मिस, जो इसकी व्याख्या हो चुकी है. तो मन जीते जग जीत, इसके पहले की लाइन थी जो मैं करना भूल गई, जिसकी व्याख्या मन जीते जग जीत, क्योंकि ये सारी कुर्बानी हमारे मन से बातें कर रही है, हमारे मन को समझा रही है कि मन को परिवर्तित करना है, मन को चेंज करना है. हमने अपने तन को चेंज करके कुछ हासिल नहीं करना, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमारे मन को हमने चेंज करना है. और ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था और काफ़ी संगत के माइंड में भी होगा कि हमारी आत्मा में और हमारे मन में क्या अंतर है, हमारा मन क्या होता है. तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी ऐसी है जो गुरबानी के थ्रू मेरी सर खुशकिस्मती से मुझे भी ये एक्सप्लेनेशन मिला कि जैसे एक समुंदर में तूफान आता है, तो जब तूफान होता है वो जो हमें दिखता है तूफान, वो है हमारा मन जो चंचल है, जो तूफानी मन है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं. लेकिन जब तूफान शांत हो जाता है तो हमें तूफान नहीं दिखता, तो हमें क्या दिखता है, सिर्फ सागर, और वो है हमारा सोल. जब अगर हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो कोई मन है ही नहीं, देन देर इज ओनली अवर प्योर सोल, नथिंग रिमेन्स. ये हमारा मन है जो हमें भटकाता है, हमें दोहरा देता है, हमें हमें बिल्कुल ही दूसरे रास्ते में डाल देता है. तो अगर हम अपने मन को शांत कर लें, उस तूफान को शांत कर लें, तो हम उस शीतल शांत सागर तक पहुंच सकते हैं जो हमारा सोल है. तो ये है डिफरेंस बिटवीन सोल एंड अवर मन. तो पौड़ी नंबर 29 करने की कोशिश करते हैं संगत जी जल्दी से. और पौड़ी नंबर 29 में है, मैं पढ़ देती हूँ. भुगत ज्ञान दया भंडारण गट गट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कर चलावे लेखे आए भाग, आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहित जुग जुग एको वेस. तो भगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजे नाद, जो योगी जन थे जो अपने पंथ में वो लोग भोजन छकते थे, तो उनका एक 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 तरीका था, एक डिसिप्लिन था, वो एक नियमावली से अपना भोजन छकते थे और वो सोचते थे ये एक धार्मिक क्रिया है. और उनके लिए धार्मिक क्रिया क्या थी कि उनका जो सारा का सारा भोजन, रोटी चूरमा और दाल जो बनती थी, रोटी को बना के, मोटी रोटी को उसको पीस के उसमें बहुत सारा घी भरना और दाल के साथ खाना, ये उनका भोजन होता था. और ये एक बहुत बड़े भंडारण में रखा जाता था. भंडारण का एक और मीनिंग ये है, एक फीमेल जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी उनका भोजन. तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ये जो अन्न हम खा रहे हैं इससे तो तन की तृप्ति होगी, मन की तृप्ति कैसे हो सकती है, तो इसे हम धार्मिक क्रिया कैसे समझ सकते हैं. तो धार्मिक क्रिया तो वो है जिसमें हम अपने मन को परिवर्तित करें ताकि हम अपने सोल तक पहुंच पाए, भगवान तक पहुंच पाए, जो हमारे अंदर मन तक है. तो अगर हम भोजन खाएंगे तो हमारा मन कैसे तृप्त होगा, आज तक क्या हमने अपने मन को शांत किया है भोजन खा के? जी नहीं, भोजन खा के कौन अपने मन को आज तक शांत कर पाया है, कौन भगवान से लिप लगा पाया है? इस शरीर को तृप्त करने के लिए भोजन तो जरूर है, जरूर चाहिए. और मन को तृप्त करने के लिए क्या चाहिए, भोजन नहीं, ज्ञान. ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान. और वो ज्ञान क्या है उसके बारे भी व्याख्या हो रही है यहाँ पे. तो लेकिन शरीर, जितना मर्जी आप ज्ञान ले लो, बांट लो, लेकिन आपका शरीर तृप्त ज्ञान से नहीं होगा. तो ये दोनों, इन दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग हैं. शरीर को तृप्त करने के लिए हमें धरती से उगा हुआ भोजन चाहिए, और मन को तृप्त करने के लिए
जो हमारे आत्मा तक हमें पहुंचाएगा, भगवान का एजुकेशन चाहिए, हमें सत्संग चाहिए, हमें वो नॉलेज चाहिए, हमें भगवान का नाम चाहिए। तो ये दोनों अलग रास्ते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं, जब जोगी भोजन करते थे तो उनका एक नाद बजता था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उनका नाथ जो उनके जो मुख्य थे वो आके बैठते थे और नाथ के सामने ही वो नाद बजा कर भोजन करते थे। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नाथ के सामने आप भोजन कर रहे हो, नाथ तो वही है, हमारा मालिक तो वही ऊपर वाला है। जोगियों का जो नाथ है वो तो इंसान है, वो सच्चा मालिक तो ऊपर वाला परमात्मा ही हो सकता है, उसे याद करके भोजन हमें करना चाहिए। और जो नाद बज रहा है, जो म्यूजिक बज रहा है, वो म्यूजिक तो नाद हमें अपने अंदर सुनना चाहिए, क्योंकि घट घट बाजे नाद। घट घट मतलब हर किसी के अंदर, हर पर्सन के अंदर वो नाद बज रहा है और वो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जो उस नाद तक पहुंच जाए वो उस म्यूजिक रूपी परमात्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि परमात्मा का ही शब्द है जो हमारे अंदर नाद की तौर पे, नाद के रूप में बज रहा है। अगर हम अपने अंदर वो नाद सुनते हैं तो हम अपने परमात्मा के दर्शन करते हैं, जो शब्द रूपी परमात्मा हमारे अंदर है। तो ये कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, बहुत सटल लैंग्वेज में, बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली रास्ता क्या है, असली सच्चाई क्या है। ये जो रिचुअल्स हैं इसको करने से भगवान की प्राप्ति शायद नहीं हो सकती। पौड़ी नंबर 29 का पन्ना पलट गया था। तो जी सेकंड पंक्ति ये है कि आप नाथ नाथी सब जाके रिद्ध सिद्ध अवरा साध। तो आप नाथ जो अपने आप भगवान है, उसी ने पूरे यूनिवर्स को पिरोया है, धागे में स्टिच किया है। गॉड हैज स्टिच द फुल यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द सन्स, द मून्स, द लाइव्स विच आर ऑन ईच प्लैनेट, वो सब भगवान ने पिरोया है अपने धागे में, नाथी उसको स्टिच किया है। और उसी भगवान ने, उस भगवान तक पहुंचने के लिए रिद्ध सिद्ध अवरा साध ये रास्ता नहीं है, क्योंकि रिद्ध सिद्ध अवरा साध, अवरा साध मतलब दूसरा स्वाद, ये तो स्वाद ही दूसरा है रिद्ध सिद्ध का। रिद्ध भगवान तक पहुंचने के लिए रिद्धि सिद्धि हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकती। तो जैसे धन कमाने के अलग अलग तरीके हैं, वैसे ही धार्मिक साधन के भी अलग अलग तरीके हैं। और जो जोगी जन है वो अपना धार्मिक तरीका ऐसा मानते थे, तन की साधना से जो भी प्राप्त होगा वो पदार्थ है, और परमात्मा तो मन की साधना से ही प्राप्त हो सकता है, तन की साधना से नहीं। तो इसमें हमको गुरु नानक देव जी ये भी समझा रहे हैं कि जो हम सच्चियार कैसे बने, हम अपना कूड़ कैसे दूर करें, ये ट्रू एजुकेशन मिलने से हमें पता चल रहा है कि हम अपनी जो कूड़ है जन्मों जन्मों की, वो हम कैसे दूर करें। तो भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाथ। तो भुगत ज्ञान मतलब जो असली ज्ञान है वही हमारे मन का खाना है, भोजन है। और जो चूरमा है, जो अन्न हम खाते हैं, वो हमारे तन का भोजन है। अन्न से मन तृप्त नहीं होगा, लाइकवाइज ज्ञान से तन भी तृप्त नहीं होगा। क्या हम भोजन खाकर मन पे काबू खा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अन्न और मन का भोजन, अन्न मन का भोजन है ही नहीं। ओके, सो गुरबानी की लाइन्स है, ये लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो जो मन है वो एक्चुअली में ज्योत स्वरूप है, ज्योत मतलब आत्मा, जो हमारे अंदर ज्योत जल रही है, वो ज्योत का ही एक रूप है हमारा जो मन है। लेकिन वो इतना चंचल हो जाता है, इतना उसमें तूफान आता है,
क्योंकि वो हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। अगर हम अपने मन को शांत कर दें तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर की ज्योति, हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारा मन है वो ज्योत स्वरूप है, हमें अपना मूल पहचानना चाहिए और अपने शांत सागर, अपने शांत सोल तक पहुंचना चाहिए। तो अन्न के खाने को धार्मिक साधना समझ लिया जाए तो जो भी अन्न खा रहा है उन्हें प्रभु के साथ जुड़ जाना चाहिए। पशु पक्षी कीड़े मनुष्य कोई अन्न के बिना नहीं जी सकता, इसका मतलब सब भगवान से अन्न खा के जुड़ सकते हैं, तो ये तरीका नहीं है भगवान से जुड़ने का। साहिब श्री अर्जुन देव जी के बोल हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, असली ज्ञान भगवान का ज्ञान। और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे भजन और ज्ञान सुनकर भगवान का नाम लेकर हमारे अंदर एक उमंग आ जाती है, एक प्रसन्नता आ जाती है, हम हमेशा खेड़े में रहते हैं, खुश रहते हैं। और उसी तरह हमारा जो 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 बदन का जो जो नीड है भोजन की, वो भी आस्ते आस्ते थोड़ी कम हो जाती है, उतना भोजन खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे सेम उस तरीके से जैसे किसी बेटे की शादी हो और माँ खुशी से यू नो बहुत खुश हो और सबको खाना खिला रही है, लेकिन जब कोई पूछे कि आप भी खा लो, वो कहती है मुझे अभी भूख नहीं है, उस सबको वर्ताई जाती है लेकिन खुद उसको भूख नहीं होती, क्योंकि जो खुशी होती है ना दिल की, उससे जो जो तन की जो भूख होती है वो काफ़ी हद तक मिट जाती है। तो भंडारण क्या होना चाहिए? दया, दया, और वो हमारा एक मूल वर्चू है। एंड जो खाना हमें खाना चाहिए वो खाना चाहिए हमें ज्ञान और डिवाइन नॉलेज और एनलाइटनमेंट का। और जो नाद है, जो म्यूजिक बजाते हैं खाने के पहले, उसके पहले हमें अपने शब्द को रिपीट करना चाहिए अपने दिल में भगवान के शब्द को। तो जुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद। और सब जाके रिद्ध सिद्ध अपरा साथ, इसका भी व्याख्या हो चुकी है। और अगली पंक्ति, संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग। संजोग विजोग बहुत इंटरेस्टिंग लाइन से, ये द्विकार चलावे मतलब परमात्मा पूर्व कर्मों के अनुसार बर्थ एंड रीबर्थ हमें देता है, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। परिवारों को जोड़ता है, अगर हम अपने परिवार के मेंबर के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, जुड़े हुए लोगों के साथ हैं, तो ये मान के चलिए कि ये पिछले जन्मों में भी हमारे संग ही थे, किसी और रूप में होंगे लेकिन ये हमारे साथ एक जन्म का नाता नहीं रखते, जन्मों जन्मों का नाता रखते हैं। तो ये जो संजोग जोड़ते हैं और विजोग, तो कभी हम भगवान को याद करते हैं किसी जन्म में, किसी जन्म में भगवान को भूल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ये संजोग होता है, कभी विजोग होता है। एक सी सौ करने की हम कोशिश करते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हमें माया जोड़ लेती है अपने साथ, फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ये जो खेल चले आ रहा है हमारे जन्मों जन्मों से, इसी से हमें रीबर्थ मिलता है, हमारा प्रारब्ध तय होता है, हमारी किस्मत तय होती है, हमारा परिवार तय होता है, हमारा योनि तय होती है, हमारे पोजीशन तय होती है, और बहुत कुछ जो हम जानते भी नहीं, सब कुछ तय होता है। तो ये सब भगवान ही करता है। तो संजोग जोड़ता है, फिर टूट जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इस ढंग से भगवान हमें संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग, हमारे भाग भगवान बनाता है। और इसमें गुरबानी की कुछ लाइन है, पूरब जन्म के मिले संजोगी अंत कोना सहाय। तो जो भी हमें जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं इस जन्म में, वो डेफिनेटली हम उनसे पूरब जन्म में भी मिले हुए थे। इसके बाद सेम वही दो लास्ट की पंक्तियां हैं जो कॉमन लाइंस हैं, जिसकी व्याख्या हो चुकी है। तो पौड़ी 30 में हम जाते हैं और ये डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है गुरु नानक देव जी का साधुओं से और योगियों से। तो एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है। एका माई, माई मतलब या तो माया हो सकती है या फिर एक माँ जिसे भगवान ने
बनाया है, जुगत व्याई। जुगत मतलब इस जुगती से व्याई है, एक भगवान के प्रोसेस ने उन्हें तीन चेले दिए, तीन बेटे दिए और तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो योगियों ने इस संसार की उत्पत्ति और रचना और गर्दिश के संबंध में जो कहा है, गुरु नानक देव जी इस संबंध में जगत को थोड़ी सी एक ज्ञान अपने विचार दे रहे हैं और योगियों को समझा रहे हैं। युगों युगों से ये कहा जा रहा है और कहा जाता है कि जो मादा प्रकृति है, जो माता है, उसने तीन चेले, उनसे तीन चेले प्रकट हुए और युक्ति के साथ शादी करी प्रकृति ने, और तीन चेले जो तीन देवताओं ने जन्म लिया, और एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। मतलब जैसे जो हम तीन देवता मानते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, तो ये तीन शक्तियां हैं, एक संसारी है, एक भंडारी है जो संसार को जन्म देते हैं, जो लाइफ फॉर्म को जन्म देते हैं, विष्णु जो भंडारी है जो पालना करते हैं, और महेश जी जो प्रलय करते हैं, मौत के देवता हैं। तो ये तीनों शक्तियां मानी जाती हैं और मानी गई हैं। तो एंड हर प्रोसेस तीन ही क्रिया है जगत में अगर देखा जाए तो, जन्म है, जीना है और मरना है। जीव, पशु, पक्षी, सूरज, चांद, तारे सब जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं। और तीन देवता भी माने जाते हैं जिन्होंने पहले उपजाया, फिर पालना की, फिर मिटाया। और प्रकृति के तीन गुण भी माने जाते हैं, रजो, तमो, सतो। तो आत्मा है हमारी, एक मन है, हमारा एक शरीर है, तो शरीर के भी तीन हिस्से माने जाते हैं। हमारे काल भी तीन माने जाते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो योगी मानते हैं इसलिए जो जन्म देता है वो मरण नहीं दे सकता, इसलिए वो मानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने जन्म दिया है इंसानों को, वो मरण नहीं दे सकते। मरना क्यों देंगे, वो तो जन्म देते हैं, जो मरना है वो महेश जी देते हैं। तो लेकिन जो गुरु नानक देव जी हैं वो गुरबानी में छिपे रहस्य को बता रहे हैं, वो एक एजुकेट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता जो हैं ये भगवान के ही देवता हैं, भगवान ने इन्हें बनाया है। और गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि जो जन्म देती है माँ, और जो जो देवता हम समझते हैं जो हमें जन्म देता है, वही पालना करते हैं और वही विनाश। मतलब भगवान एक ही है, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। और भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, अगर जन्म दे रहा है तो मौत क्यों दे रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि भगवान का कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसी डीप प्लानिंग नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, मोटिव ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए मैं जन्म दूंगा तो मरण दूंगा तो आई विल अचीव एन ऑब्जेक्टिव। जी नहीं, एक खेल है, एक खेल है ये जीवन और मृत्यु। जैसे बच्चे का कोई एजेंडा नहीं होता, वो सी बीच में जाके मिट्टी का घर बनाता है, हंसते हंसते बनाता है और हंसते हंसते खुद ही तोड़ देता है, वैसे ही भगवान के लिए ये खेल है। लेकिन जिसका एजेंडा होता है, मोटिव होता है, एम्बिशन होता है कुछ अचीव करने के लिए, वहाँ तो टेंशन होती है, वहाँ एक स्ट्रेस होता है। भगवान ने क्या अचीव करना है, भगवान को किस बात की टेंशन, भगवान ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी नहीं। भगवान का ये खेल है, भगवान हमेशा प्रसन्न रहता है। वो बिगाड़ते वक्त, मुरझाते वक्त, मौत देते वक्त भी हंसता है और जन्म देते वक्त भी हंसता है, इस यूनिवर्स को पैदा करते वक्त भी हंसता है, और जब इस यूनिवर्स को अपने में समा लेता है तब भी हंसता है, क्योंकि वो खेड़े में है। भगवान के पास सिर्फ प्रसन्नता है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, खुशियां हैं। उस भगवान के दर पे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई स्ट्रेस, कोई एम्बिशन और कोई टेंशन नहीं है। आई होप संगत जी कि ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा लैंग्वेज उतना प्योर नहीं है, आई होप थोड़ा समझ में आ रहा हो।
क्योंकि गुरबानी में जैसा लिखा है और जैसा मैं आपसे कह रही हूँ उसमें हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, चेंज इन द सेंस क्योंकि मेरी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, सो आई होप आपको समझ आ रहा हो। क्योंकि जब मैंने समझा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं उतना जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। तो आना जाना परमात्मा की लीला है, उनका कोई मकसद नहीं है, एक लीला है, एक खेल है। और गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है, एक तमाशा है, हाँ, लेकिन तभी तक ठीक है जब तक हम तमाशा देखते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद तमाशा ना बन जाएं। हमें इस जगत का तमाशा देखना है और कुछ नहीं करना है। हम खुद तमाशा बन जाएं मतलब कईयों के घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, कईयों के घरों में मारपीट होती है, कईयों के घरों में बहुत तमाशे होते हैं, वो खुद इस जगत में तमाशा बन जाते हैं और दूसरे उन्हें देखते हैं। तो इस जगत में तमाशा देखो, लेकिन ये नहीं कि मजाक उड़ाओ या मॉक करो, वो बात नहीं है। तमाशा देखने आए हैं, तमाशा देखो, लेकिन खुद हमें तमाशा नहीं बनना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारा मन काबू में रहे हमारे। जो तिस भावे तिवे चलावे, जो होवे फुरमान, वो भगवान वैसा ही चलाता है जैसे उसे मंजूर है, वो किसी की नहीं सुनता। अगली पंक्ति, ओ वेखे ओ ना नजर ना आवे बहुता ए विडार। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पंक्ति है, गुरु नानक देव जी कहते हैं। बस एक ही बात है जो मुझे बहुत सरप्राइज करती है, मैं खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ, वो ये कि ओ वेखे, वो सबको देखता है, वो जन्म भी देता है, पालना भी करता है, सबकी किस्मत लिखता है, सबको देख रहा है वो, कोई क्या कर रहा है। लेकिन ओना नजर ना आवे, लेकिन कोई भी भगवान को नहीं देख सकता। ये भगवान ने कैसा एक नियम बनाया है कि कोई भी उनका पैदा किया हुआ, उनका कृत भगवान को नहीं देख सकता। तो बहुत ए विडान, ये मुझे बहुत ही अचंभे में डाल देता है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और ये मुझे बहुत सरप्राइज कर जाता है जब भी मैं इसको याद करता हूँ। तो ये कभी भी हमारी नज़रों में भगवान का कोई रूप नहीं है, हम उसे नहीं देख सकते जबकि भगवान हमारे इतने पास है। तो अगली पंक्ति वही कॉमन पंक्ति है, आदेश से आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेस। उसी को आदर प्रणाम नमस्कार, हमारा सजदा, हमारा सारा झुकाव उसी भगवान की तरफ है जिसने सब कुछ बनाया, ये सृष्टि बनाई, देवी देवते बनाए, सब कुछ बनाया और अपने नियम अनुसार सबको जन्म दे रहा है, पालना कर रहा है और नाश भी कर रहा है। तो जो तीन देवता हम मानते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है उन्हें अपनी अपनी डिपार्टमेंट देखने के लिए। एक छोटी सी गाथा है, पता नहीं क्यों मैंने सुनाई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे छोटी सी गाथा सुना देनी चाहिए। ये शिव जी की गाथा है और मैं जल्दी से जल्दी इसको शॉर्ट में समझाने की नहीं सुनाने की कोशिश करूँगी। तो शिव जी जो वो डिपार्टमेंट भगवान ने दिया मौत का, नाश का, नष्ट करने का, तो शिव जी भगवान के पास गए और उन्होंने कहा परमात्मा से कि आपने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सॉरी मेरे शब्द बहुत प्योर नहीं है लेकिन मैं शॉर्ट में गाथा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो आपने मुझे करने के लिए कहा मैं बहुत उसमें परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं मौत देने जाता हूँ बहुत रोना और चीखना जीवों में शुरू हो जाता है, तो ये मुझे पसंद नहीं है और इतना ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आप इंद्र भगवान के जैसे मुझे दो ना, मैं बारिश करूँगा, मैं इंद्र भगवान के जैसे वर्षा का डिपार्टमेंट अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि लेकिन वो जो तेरा नेचर है, जो तू कर सकता है उससे बहुत अलग है। बोलते क्यों अलग है भगवान, ऐसा क्या है,
वर्षा करनी है मैं वर्षा करूंगा, मैं अपना जब भी डमरू बजाऊंगा तो वर्षा होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो भगवान ने कहा चल ठीक है। तो उनको इंद्र भगवान का डिपार्टमेंट कुछ समय के लिए भगवान ने दे दिया। और तो जब महेश भगवान ने, जब शिव भगवान ने धरती पे देखा कि किसान अपने हल चला रहे हैं, धरती को में हल चला के बीज बोने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो भगवान ने अपने किसी रूप धारण करके उनको समझाया कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बारिश अभी होने नहीं वाली, अगले 13 साल कोई बारिश नहीं होगी, कोई वर्षा नहीं होगी, तो ये आप हल चला के अपनी मेहनत बर्बाद मत करो और अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो कुछ दिनों के बाद भगवान ने देखा कि ना ही उन्होंने, किसानों ने हल चलाए हैं, बट उन्होंने बीज भी बो दिए। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि जब मैंने इनको कहा है कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने अगले 13 साल वर्षा करनी ही नहीं, तो इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अगले 13 साल इन्होंने इसलिए वर्षा नहीं करनी थी क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट था मौत देने का, ये उनका वैसा ही नेचर है, उनको मौत देनी है, उनको एक नष्ट करना है, तो 13 साल अगर वो वर्षा ना दे तो मौत ही मौत। तो वो गए वहाँ पे और उन्होंने कहा जब मैंने कहा कि यहाँ पे वर्षा नहीं होने वाली है तो आप बीज बो रहे हो, मैंने तो आपको हल भी चलाने से मना किया था। तो किसानों ने कहा देखिए ऐसा है कि हमारा काम तो हल चलाना है और बीज बोना है, तो हम अपने कर्म कर रहे हैं, बाकी वर्षा करना ना करना ये तो भगवान की मर्जी है। वो कभी कभी भगवान इतना दयालु हो जाता है कि वर्षा के बिना भी ये बीज उपजा देता है, पर भगवान में इतनी शक्ति है, तो हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, और अगर हम अपना कार्य ना करें, हल ना चलाएं 13 साल, तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे हल चलाना, हम तो हल चलाना ही भूल जाएंगे, हम तो किसान रहेंगे ही नहीं। तो शिवजी भगवान ने सोचा ये बात तो सही है कि अगर मैंने भी अगले 13 साल डमरू नहीं बजाया तो मैं भी कहीं डमरू बजाना ना भूल जाऊँ। तो उन्होंने डमरू बजा दिया, जैसे ही डमरू बजाया वर्षा हो गई और उनके बीज उग गए। तो फिर शिवजी भगवान के पास गए और कहा कि देखो हो तो वही रहा है जो आप चाहते हो, जो मैं चाहता हूँ वो तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाता है, गुरबानी में कहते हैं कि जितने भी देवी और देवता हैं वो भगवान ने ही बनाई है, और अल्टीमेट पावर इज दैट वन गॉड, दैट वन सुप्रीम लॉर्ड, जिन्होंने वो शब्द पैदा किया ओम या एक ओंकार, जिसे गुरबानी में कहते हैं, हिंदू धर्म में ओम कहते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की व्याख्या मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। संगत जी, आई होप मेरे वर्ड्स आसान रहे हों, व्याख्या को मैंने थोड़ा सा भी जस्टिफाई किया हो, और मैं होती ही कौन हूँ, एक गुरु जी ही करवाते हैं ये सेवा, और तभी ये सेवा हो पाती है, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ, जब सुनती हूँ, तो इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी संगत जी, कि मुझे लगता है कि मैं इस काबिल हूँ ही नहीं इस सेवा के। तो ये तो गुरु जी ही हैं जो ये सेवा करवा रहे हैं, और सेवा चली आ रही है, चल रही है, क्योंकि आप में से कई लोगों को गुरु जी ने ये मैसेज पहुँचाना होगा। तो जय गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मैं आपकी आभारी हूँ, एंड होपफुली वी विल मीट अगेन वेरी सून, और बहुत जल्द ही हमारा जपजी साहब का जो व्याख्या है वो खत्म भी होने वाली है। सो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।